रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो है मिल्क पाउडर से बनने वाली रसमलाई। तो चलिए आइए रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दुआ करती हूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुमा आमीन। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो मिल्क पाउडर से रसमलाई बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने एक कप सूखा दूध लिया, 1 टीस्पून मैंने घी लिया, ये 10-12 बादाम हैं जिनको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया, आपके पास अगर पिस्ते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक अंडा लिया मैंने, 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये मेरे पास ज़ाफ़रान है एक चुटकी, और 10-12 सब्ज़ी इलायचियाँ जिनको मैंने इस तरह से खोल लिया है, ये देखिए एक चुटकी ज़ाफ़रान है, 10-12 सब्ज़ी इलायचियाँ। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं ये मैंने 1 लीटर दूध लिया था जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया, चूल्हा ऑन करूँगी। अब मैं इसको मज़ीद और गर्म कर लूँगी। ये फुल क्रीम दूध है मेरे पास, फ्रेश मिल्क है, आपने अगर डब्बे वाला लेना है तो वो आपकी मर्ज़ी। अभी मैं इसके साथ ही इलायचियाँ डाल दूँगी और ये ज़ाफ़रान, और इसको हल्की आंच पे बॉयल होने देंगे, उतनी देर हम उसको रसमलाई तैयार कर लेते हैं। इसी के साथ ही ये मैदा और बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये अंडा लिया है मैंने, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी कटोरी में। इसको आपने पूरे को एकदम से मिक्स नहीं करना, नहीं तो वो जो है ना वो पतला हो जाएगा, बैटर जो है ना तो संभलेगा नहीं, फिर बार बार उसके अंदर हम सूखा दूध डालेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, कोई हिसाब नहीं रहेगा, ना ही बेकिंग पाउडर का ना ही मैदे का। तो इसलिए हम इसको फेंट लेंगे अच्छे से और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे, जितना हमें उसका वो सख्त सा हमने बैटर बनाना है उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। अब ये जो मिल्क पाउडर है इसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा अंडा डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से पूरा अंडा ही हमारा लग गया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, अब मैं इसके अंदर ये घी डाल दूंगी और मज़ीद इसको मिक्स कर लूँ। ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसको अच्छे से ये सख्त सी इसकी डो बना ली, ये देखें स्मूथ सी। अब मैं इसके छोटे छोटे से बाउल बनाऊँगी इस तरह से, बहुत बड़े बनाएंगे तो ये अंदर जाके फूल के और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, आपने बिल्कुल छोटे से बनाने हैं। ये देखें इस तरह से बिल्कुल स्मूथ बनाने, कहीं पर भी कोई भी क्रैक ना हो, ये देखें इसी तरह सारे बना लेंगे। आप आउल शेप में भी बना सकते हैं और इस तरह राउंड में भी बना सकते हैं, ये देखें इस तरह से भी शेप दे सकते हैं आप इसकी, लेकिन मैं ये इस तरह से ही बाउल बनाऊंगी राउंड वाले। ये देखें सारे बाउल मैंने तैयार कर लिए, अब मैं इसको वो जो बॉयल हो रहा है दूध उसमें डाल दूंगी, और ये चीनी जो है बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, ये मैंने 1/2 कप ली है। चीनी पहले डाल देने से ये होता है दूध जो है वो साइड्स पे लगना शुरू हो जाते हैं और ये जो बाउल्स होते हैं ये भी टूटना शुरू हो जाते हैं,
और इसलिए ये अच्छे से फूल भी नहीं पाते, अंदर गुठली सी बन जाती है। हम इसको ये सादे दूध में पहले इनको फूलने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ही चीनी मिक्स करेंगे। इस तरह से एक एक करके हम डालते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे। सारे बाउल मैंने जो है दूध में डाल दिए। ये देखें, दूध बहुत गर्म था इसलिए वो फूलना शुरू हो गए, ऊपर आना शुरू हो गए। ये देखें, जब ये साइज में डबल हो जाएंगे उस वक्त हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए। आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे ताकि दूध उबल के बाहर ना गिरे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े हो गए हैं बाउल्स। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी। चीनी बहुत ज़्यादा तेज़ ना कीजिएगा, थोड़ी सी डाल के चख लीजिएगा। और इसके साथ ही मैं ये बादाम भी डाल दूंगी और इसको हल्का सा मिला लेंगे। ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये गरम है अभी इसलिए टूट जाएगा। ठंडा होता है तो नहीं टूटता, गरम जब होता है तो टूट जाता है। ये हल्की आंच पे पकने दूंगी 10 मिनट के लिए, इसलिए और पकाना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए, कोई भी इसके अंदर गुठली या कच्चापन ना रह जाए और दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो जाए। 10 मिनट मैंने इसको और पका लिए, तैयार है हमारी रसमलाई। अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार हमारी रसमलाई तैयार है, सूखे दूध से बनी हुई। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।